यह दी रियलिस्ट आजाद चैनल भारतीय संविधान के अंतर्गत मूलभूत कर्तव्य अनुच्छेद 51 ए एच तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 19 एक ए के अंतर्गत वाणी तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियां, भेदभाव, छुआछूत, जातिवाद और कुरिवाजों के प्रति लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक सोच के अनुसार जागरूक करने का प्रयास करता है। यह थी रियलिस्ट आजाद चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब या किसी भी सामाजिक समूह की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य लोगों में तार्किक एवं वैज्ञानिक विचारधारा को बढ़ावा देके ऐतिहासिक दस्तावेजों, पुरातात्विक प्रमाणों तथा मॉडर्न टेक्नोलॉजी की सहायता के माध्यम से समाज को जागरूक तथा विकास की ओर अग्रसर करना है। यह चैनल स्वस्थ तर्क, समीक्षा और वैज्ञानिक विचार को प्रोत्साहन देता है। यदि कोई अतिथि या वादी गाली गलौज या अभद्र शब्दों का उपयोग करता है तो यह मंच उस शब्दों या व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है और संचालक के अलावा यदि कोई भी अन्य व्यक्ति अपने कोई भी विचार रखते हैं तो वह विचार के लिए वह व्यक्ति खुद ही जिम्मेदार होगा, उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। इस प्रस्तुति में कुछ आपत्तिजनक सामग्री या शब्द हो सकते हैं, दर्शक कृपया अपने विवेक से काम लें। अच्छा, हमारे साथ प्रेम स्वामी आए हैं भैया। प्रेम स्वामी जी, स्वागत है आपका। जी जी उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी प्रेम जी, बताएं किस विषय पे आप बात करना चाहेंगे। बातें थोड़ी तल्ख भी हो सकती है, ठीक है ना, तो उसको दिल पे मत लीजिए, वैचारिक है, पर्सनल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सर, देखिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पर किसी भी तरीके की हम अभद्रता को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप तर्क कैसा भी रख लीजिए लेकिन सभ्य भाषा में। यहाँ पर आपका स्वागत है सर, आप अपनी कैसी भी बात रखिए, बस म्यूट अनम्यूट नहीं होगा, आप सुनने का धैर्य रखें। अगर आप बोलते हैं ना तो फिर सुनने का भी धैर्य रखें। मैं आपको अलाउ करूंगा बोलने के लिए, तो आप भी थोड़ा फिर जब आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो बीच में इंटरप्ट ना करें। हम जैसे आपको बोलने का मौका देंगे वैसे आप भी हमारी बात सुनेंगे, उसके बाद से हमारा ये बड़ा हेल्दी डिस्कशन कंटिन्यू हो सकेगा। तो दोस्तों आप स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए। जी बोले प्रेम स्वामी जी। हम सभी भारतीय हैं, हमारी बहुत लंबी परंपरा है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं इतिहास में, ठीक है ना। उन सभी पूरी सभ्यताओं के बाद हमारे सबके भीतर एक सभ्य मनुष्य की भावना जरूर है, चाहे वो किसी भी जाति का हो ना हो, उसके अंदर पेशेंस है, एक इंसानियत है और सबको समाहित करने की एक उनके अंदर वृत्ति है, ठीक है ना, ये तो मैं मानता हूँ। अब हम शुरू करते हैं जातिवाद के ऊपर, जिस जो कि आपका सबसे ज्वलंत प्रश्न है कि जातिवाद के कारण आपका शोषण हुआ है इतिहास में, ठीक है। ब्राह्मणों ने, ब्राह्मणवाद ने अपने शोषण का तंत्र तैयार किया और हर जगह खुद को सामने रखा, हर जाति से ऊपर रखा और सबको लूटा पीटा, खूब मजे किए, हमें पिछड़ा बना के छोड़ दिया, ये आप लोगों का इतराज है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जातिवाद है ये पूरी दुनिया में है, ये सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में मानव का स्वभाव है जाति में रहना। क्योंकि जब तक जाति में, पुराने जमाने, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो हम शहरों में आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई तो जातियों का मतलब खत्म हो गया। उस जमाने में आबादी कम थी, छितरे छितरे गांव थे, छोटे छोटे विलेज थे, वहां पे लोग जातियों में रहते थे, जिसको कबीलावाद कहते हैं ना। जातियां कबीले से आई हैं, कोई किसी ब्राह्मणों ने के झुंड ने बैठ के जातियां नहीं बनाई एक दिन की, चलो आज से हम सबको टॉप पे रखते हैं, बाकी को भी तुम ब्रह्मा के पैर, ठीक है सर, पैर, ये सब नहीं है, ये सब बातें बात की। हाँ ठीक है सर, आपकी यहाँ तक की बात कर सर, यहाँ तक मेरी बात पूरी नहीं हुई सर, आप फिर ज्यादा हो जाएगा ना सर, आप यहाँ तक बोल दिया ना, यहाँ पर काउंटर क्वेश्चन ले लें सर। देखिए आपने जो कहा कि दुनिया, थोड़ा सा और है और बताता हूँ। जातिवाद की शुरुआत कबीलावाद से शुरू हुई है, कबीलावाद की शुरुआत सुरक्षा की वजह से हुई है, लुटेरे डाकू उस समय सभी ऐसे थे, हर जाति लुटेरे डाकू थे, एक दूसरे का साधन लूटते थे, तो इसलिए खुद को सुरक्षित रखने के लिए कबीला बनाया और कबीलों में जब भीड़ बढ़ती गई, दूसरे कबीला लगे तो वो वही कबीले जाति में कन्वर्ट हो गए। अब आप बताइए कि ये सही है कि गलत है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब आप बात सुने, आपने कहा दुनिया में बहुत सी जगह, मतलब पूरी दुनिया में जातिवाद है। देखिए पूरी दुनिया में क्या है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, वो वहां है और वहां खत्म भी हो रहा है, इसके लिए लड़ाइयां भी हो रही, और आज जितना इंडिया में ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात,
आपने कहा कि कबीलों से ये अगर जाति आई, अगर आपकी बात को मान के चलें तो भाई देखिए, जब हम कबीलों में थे ना, उस चीज की हमें जरूरत रही होगी, ये बात आपकी हम मान लेते हैं, लेकिन क्या आज हम वही कबीला ही लोग हैं? इमेजिन करें, क्या आज हम वही कबीला ही लोग हैं जो कबीलाई चीजों को ढो रहे हैं? भाई कबीलाई लोग के पास इतनी ना एडवांस टेक्नोलॉजी थी, ना वो ऐसी इमारतें बना सकते थे, ना वो जहाज से उड़ सकते थे, ना वो रोडों पे अपनी कारों में दौड़ सकते थे, उनके पास ये सब कुछ नहीं था। तो ये बताइए, जब वहां से निकलकर हम आज इतनी एडवांस चीजों को लेकर चल रहे हैं और हम आज इतने एडवांस हो गए हैं, जब कबीलाई लोग हम थे तब हमारे अंदर इतनी समझ नहीं थी, और आज हम इतने एडवांस हो गए तो बाकी चीजें छूट गई, तो फिर ये जाति वो कबीलाई चीज क्यों हम लेके चल रहे हैं? आप ये बताएं, इस चीज को क्यों खत्म नहीं करना चाहिए? ठीक है, मैं बताऊं, और हमारे जितने भी सामाजिक नेता है, जितने भी जो समाज के लिए जिन्होंने काम किया, आप महात्मा फुले कहिए, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय कहिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहिए, बहुत से जो मिस्टर भी आ गए समाज हैं, के जय भीम लिए, सर। जो भी जिन्होंने भी समाज हाँ के लिए भाई, काम जय किया है, भीम। आप सभी जो पैनल में बैठे हैं, जितने देखने वाले सभी को जय भीम। जी, जी, तो अमित सर अमित ये हमारे साथ प्रेम जय भीम साहब, स्वामी जी जुड़े हैं, थोड़ा ये इंटेलेक्चुअली डिबेट करना चाहते हैं, तो इनकी बात को हम पूरा सुनेंगे हाँ और पूरा इनसे करने बात दीजिए, करेंगे। कर हाँ ले अमित पूरी बात। भाई, बोल रहा प्रणाम हाँ जी, प्रणाम सर, कर लीजिए आप पूरी जी बात अपनी। आपको। जी मैं गालिब कमाल और उनके चैनलों में सुनता हूँ, आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो ठीक है, हम बात कर रहे थे कि भाई साहब कह रहे थे कि अभी तक जातियां खत्म क्यों नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि जितने भी हमारे सामाजिक लीडर रहे हैं, उन्होंने कभी जातिवाद खत्म करने के लिए कोई प्रयास किया? क्या उन्होंने क्यों नहीं कहा किया? कि हम जातियां छोड़ें, या ये कहा कि हम जातियां एकजुट हो जाएं, इकट्ठी हो जाएं, ताकि हम जो शोषक जातियां, जिनको आप शोषक कहते हो या दूसरी भाषा में अपर कास्ट कहते हैं, उनके खिलाफ हम एक संगठित हो जाएं, ठीक है ना। तो जैसे कहा जाता है ना कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, इसकी इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है कि जातियां एकजुट हो जाएं, ना कि जातिवाद खत्म हो। जातियां एकजुट नहीं हो जाए, जब तक जातियां रहेंगी तब तक उसका एकजुट मकसद हो तो ही नहीं जाति सकते। इकट्ठा करना है ना सर। एकजुट होने का मतलब है, अगर आप जातियां छोड़ोगे ना तभी आप एकजुट हो पाओगे, जातियों तो को रख जातियां कर आप छोड़ो, एकजुट नहीं जातियां हो सकते। छोड़ने के लिए क्या किया गया? बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ो, वो क्या कहते हैं उसमें, आपको नहीं पता? वो ऐसे धर्म या ऐसे लेकिन समाज की कल्पना कर देखिए, रहे थे कि जहां पर समानता हो, कोई ऊंच नीच, कोई जातिवाद, कोई भेदभाव ना हो। यार किस क्या बात कर रहे हैं आप भी प्रेम स्वामी जी? थोड़ा तो आप कह रहे हैं कोई महापुरुष ने जाति खत्म करने के लिए बात नहीं की, आप बाबा साहब को भी नहीं पढ़े फिर तो? मैं पढ़ा हूं, पढ़ के ही बोल रहा हूं। नहीं, फिर आपको नहीं पता ना, तो आपको नहीं पता ये जो बाबा साहब, महापुरुष, सुने सुने मैं बता रहा हूं, आपको नहीं पता बाबा साहब जाति खत्म करने की बात करते थे? आपको ये बात नहीं पता बाबा साहब को क्या पढ़ लिए फिर आप? बता रहा हूं, सुनिए ना। बाबा साहेब ने क्या सर्व जाति सम्मेलन कभी किया, सभी जातियों को एकत्रित करके ये बात समझाई? कभी समझाई? नहीं समझाई। वो सिर्फ पिछड़ी जातियों, दलितों, ओबीसी के, आदिवासियों के बीच ही रहे, कभी भी उन्हें पूरे समाज को कोई सम्मेलन बुला के कहा कि हमें जातियां छोड़नी चाहिए, ये हमारा पुराना समा है, खत्म करो चलिए, इसको? ये प्रेम स्वामी कभी जी ना नहीं। कुछ बौद्धिक बात करना चाह रहे थे, तो मैं एक्चुअल में सुना ना कि इन्होंने बौद्धिक बात इनको करना है, इसलिए मैं तुरंत आ गया स्टूडियो में। तो सर, आपने अपने बात की शुरुआत ये करके करी है कि पूरी दुनिया में जाती है, बताएंगे थोड़ा कहाँ कहाँ पे जाती हैं? यहां से शुरू होते हैं सर हम, तो इसका मतलब दुनिया के और किस आपने, देश में नहीं जाती है? नहीं अमित जी, आपने पूरे संसार की जो जातियां हैं, जो मानव सभ्यता देश है, का नाम बताइए और जाति बताइए। सुनिए ना ना, इधर सुनिए, उधर नहीं जाऊंगा आपके साथ, सीधा सीधा इधर बात नहीं, होगी सर। आप, नहीं, आप ऐसा आप, क्लेम अगर कर रहे हैं तो आप मेरे को जवाब दीजिए, और मैं किस बता रहा हूं देश में ना, जातियां हैं और वो कौन सी जातियां हैं, थोड़ा बता देंगे आप मेरे को? आपने कभी अमेजोन के कबीलों के बारे में स्टडी किया? आपने अच्छा, पेरू, उनमें बोलीविया, एक एक सुने मिनट रुकिए सुने, रुकिए आप रुकिए, पूरा यहीं करने पे दीजिए रुक ना, जाओ, आप एक मैं मिनट पूरा रुक करने जाओ दीजिए। सर, एक मिनट रुक जाओ रुक इंडोनेशिया, जाओ। बाली, क्या वो अच्छा, बर्मा, वहां पे कौन सी बांग्लादेश, जाती है, नेपाल, कौन सी जाती है यहाँ की वहां? जो पुरानी सभ्यता, जातियों के इसकी नाम स्टडी बताइए, करते थोड़ा हैं। जातियों के नाम बताइए, जातियों के नाम बताइए। आप जनजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं जनजाति और जाति जाति में का क्या पूछ रहा फर्क हूं, कास्ट सिस्टम का पूछ रहा हूं मैं। आप जनजाति की बात कर रहे हैं, है? मैं हाँ, कास्ट तो सिस्टम का वहीं से पूछ रहा जातियां हूं। आई है।
एक मिनट, ना ना ना, वहां से नहीं आई है जाति, आपके हिंदू धर्म में आई है, हिंदू धर्म की धार्मिक किताबों में जातियां हैं, ऐसा दुनिया में कोई भी धर्म नहीं है जिसने अपने लोगों को जातियों में बांटा है। वर्ण वर्ण है, वर्ण कर्म के आधार पर वर्ण है, वर्ण है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण का सुनो, एक मिनट रुक जाओ, ये जो वर्ण है ये कर्म से, यार आप पूरी बात को सुनिए, ये वर्ण जो है ये कर्म से निर्धारित होता है कि जन्म से निर्धारित होता है? कर्म से। अच्छा, तो आपके घर में कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो शूद्र है? शूद्र तो कर्म से होता है ना। अरे आपके घर में क्या कोई ऐसा बच्चा है जो शूद्र, जिसको आप लोग बोलते हो? तो क्या आज शूद्र बनाने की विधि है आपके घर में ऐसा कोई? अरे तो यार अभी तो आपने बोला कि, एक मिनट, अभी आपने कहा कि कर्म से होता है, तो अपने घर में कोई एक ऐसा इंसान निकाल के दिखा दो जो वैश्य है, शूद्र है, क्षत्रिय है, निकाल के दिखा दो। आप, आपकी घर की जो जाति है ना वहीं से आई है, और जाति जन्म से ही है, फालतू की यहाँ। एक मिनट यार, अच्छा एक बात बताओ, आपने आज तक कभी, एक मिनट सुनो ना, आपने आज तक कभी सुना है क्या भारत में कि वो किसी दूसरी जाति में पैदा हो गया, फिर उसको किसी और जाति में उसके कर्म के हिसाब से डाल दिया गया? मैं बोलूं ये हुआ है? कहाँ पे हुआ है? नाम बताइए। मैं बोलूं आपको? नाम बताइए मेरे को सर। आपने यहाँ पे आके आप ना जनजातियों का नाम लिए, देखिए आपने पहले आके क्लेम ही गलत किया, सुनिए, आपने पहले आके क्लेम गलत किया, आपने कहा कि जनजाति, एक मिनट, आपने कहा पूरी दुनिया में जाति है, पूरी दुनिया में जनजातियां हैं, ठीक है, आपके हिंदू धर्म की जो जाति है ना, ऐसी जाति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि आपके हिंदू धर्म की धार्मिक किताबों में एकदम क्लियर कट लिखा हुआ है कि कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है। इस तरह से आपके हिंदू धर्म ने जातियों में इंसानों को बांटा है, सुनते जाइए, जातियों में इंसानों को बांटा है, और उसके बाद में जो जन्म है उसके हिसाब से पूरा का पूरा उन्होंने निर्धारण कर दिया है। एक सेकंड, अभी सर देखिए, जेम्स वर्ड आ जाओ, ठीक है, इनको भी बोलिए, इनको भी ले लो, लिंक देता हूं, ऊपर आके मेरे को बताओ, हाँ ऊपर आके, हाँ इनको भी लिंक दे। अच्छा कोई और एंटर मत करना, इनको ये जो जेम्स बॉन्ड है ये मेरे को बताएगा कि भाई दुनिया की कौन सी, भारत की जनजाति में से नहीं बताएगा ये ना, ये मेरे को ये बताएगा कि और कौन कौन सी जो जनजातियां हैं दुनिया में, वहां पे जातियां हैं इसी तरह की जैसे कि हमारे देश में है, कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने क्या कहा कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने जातियों में, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया कि भाई सर्व जाति सम्मेलन एक बुला लेना था, आप ये बोल रहे हैं ना? जी जी, बाबा साहब ने ऐसा क्यों नहीं किया? बाबा साहब ऐसा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे भाई? आपने उनको दलित बनाए हैं, उनकी बात को सुनेगा कौन? ब्राह्मण तो किसी की बात को सुनता नहीं है, तो बाबा साहब ने एकदम परफेक्ट एक उसका इलाज दिया है, सुनते रहो सुनते रहो। नहीं नहीं, उन्होंने इलाज दिया ना, इलाज दिया है उन्होंने, इलाज लड़ाई है, युद्ध है। नहीं नहीं, एक मिनट सुनो ना, इलाज ये है कि ऐसे हिंदू धर्म को लात मार के उसमें से बाहर निकल जाओ, ये इलाज है। जो आपको दलित बनाता है, जो आपको अछूत बनाता है, ऐसे हिंदू धर्म में से बाहर निकल जाओ, निकल जाओ, ये इलाज है। बहुत अच्छा इलाज दिया उन्होंने, यही इलाज है इसका। उससे क्या होगा, जाति खत्म हो गई, जाति तो बनी रही है यार। वो इंसान कम से कम ऐसी सड़े गले धर्म में तो नहीं रहा ना जो उसको जाति में बांट दिया भाई। अरे भैया मेरे, किसी को अछूत बनाओगे क्यों रहेगा तुम्हारे धर्म में? अरे भाई क्यों रहेगा भाई तुम्हारे धर्म में? किसी को अछूत बना दिए, किसी को ये बोल दिए कि तेरी छाया से भी मतलब अछूत क्यों है? होगी ना कोई धर्म के कारण है, तुम्हारे धर्म के कारण अछूत है? नहीं है, धर्म में क्यों आया? अच्छा, मनुस्मृति खोल के दिखाऊं अभी? अभी मनुस्मृति के पहले जाती है मुझे साहब, मनुस्मृति को बहुत बात स्वामी जी, यार ये बंदा झूठ पे झूठ बोले जा रहे भाई, ये देखो झूठ की कड़ी लगा दी है इन्होंने ना, पूरी झूठ ट्रेन चला दी है आपका षड्यंत्र पकड़ा गया झूठ। अरे फालतू की बात मत करो भाई, षड्यंत्र वड्यंत्र कुछ नहीं है, षड्यंत्र तुम्हारे जैसे फालतू लोगों का है जो जाति को आके डिफेंड कर रहे हैं। अपनी खुद की जाति बताओ तो, थोड़ा सा जाति बताओ, अपनी अपनी जाति बताओ, जाति बताओ, जाति जाति बताओ, जाति नहीं है आपको पता है? अरे ए भाई जाति बताओ, जाति बताओ, अपनी अपनी जाति बताओ, किस जाति से आते हो? ए जाति, एक मिनट रुको, हाँ तुम्हारी कोई जाति नहीं है?
मैं को मैं ये देखो भाई ये झूठ देखो इसको, ये देखो भाई तुन्नियों का ये हाल हो गया है कि अभी आके अपनी जाति बताने में इनको शर्म आ रही है। अरे हद पे शर्म हो यार आप लोग, हद पे शर्म हो भाई। तुम्हारी क्या जाति है? मैं तुम्हारे हिंदू धर्म के सड़े गले हिंदू धर्म के ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ था, लात मार के निकाल दिया, ले बताया। अब बताओ तिवारी क्यों, तिवारी क्यों छुपा के बताओ, तिवारी क्यों बने है ना ये? नहीं नहीं ये जो पूंछ में तिवारी लगा है ना, तुम्हारे जैसे लोगों के पिछवाड़े में अंधा कुटिल सांप डालने के लिए, ठीक है? तो तुम्हारे यजुर्वेद में लिखा है ना कि अंधा कुटिल सांप को पिछवाड़े में डालो, ये इसी के लिए। एक मिनट, अपनी जाति बताओ, जाति बताओ अपनी। ए मिस्टर जाति बताओ, फालतू की बात किससे बात करो? अरे बेशरम इंसान अपनी जाति से बात कर रहे हो यार, इनको हटाओ यार। कौन से धर्म का ये देखो, इसके सड़े गले हिंदू धर्म को देखो, ये अपनी जाति नहीं बता संविधान ने जातिवाद फैला दी है। ये क्या क्या टुन्नी आते हो यार तुम लोग, अपनी चीजों को। अरे भाई अरे भाई जाति बता दो भाई, अपनी जाति बता दो, इधर को उधर घोड़े का तुम अंधे घोड़े, तुम्हारे आंखों में जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बताओ, जाति बता दो, जाति बताओ बाबू, जल्दी से जाति बताओ अपनी। किस घर में पैदा हुए हो चलो ये बताओ, किस घर में पैदा हुए हो, तुम्हारे बाप की जाति क्या थी ये बता दो। अबे सवाल एक सवाल पे टिको ना, क्या मूर्खों की तरह दो पांच पांच सवाल आजा, इसको लगाओ यार फालतू आदमी को यार। एक ये इस तरह से ये यार, अरे नहीं बताओगे तो कैसे डिबेट होगी? जाति बताने से डर रहा है यार, बताओ ना। ये ब्राह्मण है बंदा समझे, ये अपनी जाति बताने से डर रहा है। गजब क्या यार यार, थू है तुम्हारे पे। लॉजिकल डिबेट करो ना, आप लॉजिकल डिबेट करते हो ना। आपको मैंने लॉजिकल बताओ ना, जब अपनी जाति बता दोगे तब यहीं से तो शुरू करूंगा तुमको। नहीं नहीं, जाति बताओ ना। जाति किसको कहते हो अपनी, जाति किसको कहते हो तो बता पहले। अरे भाई बताओ ना किस जाति, पूछ रहा है भैया जाति बता दे कि ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है कि टांग से पैदा हुआ है, ये बता दे भाई। जाति किसको कहते हैं? अरे ऋग्वेद में लिखा है ना, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, पेट से पैदा हुआ, भुजा से पैदा हुआ, टांग से पैदा हुआ, कहां से पैदा हुआ भैया तू यही बता दे। अरे कहां से पैदा हुए हो मेरे भाई, कहां से पैदा हुए हो, पैदा कहां से हुए हो, मुंह से हुए हो कि टांग से हुए हो, ये तो बताओ कि बीच में से कहीं से हुए हो। हां यार ये किस पागल को लेके आया, ये देख ये बताओ ना यार पागल बाबा, लात मार के भगा दो भाई इसके, भगा दे ब्राह्मण साले को, चलो भाई साले ब्राह्मण। आजाद मेरे ख्याल से ना, ये जो डरपोक इंसान अपनी जाति नहीं बता पा रहा है यहाँ पे आके, उससे क्या डिबेट करना, आके बोल रहा है मेरे को बौद्धिक बात करना है, बोल रहा है कि दुनिया की जो जनजातियां हैं उसमें भी जाति है। बाबा साहब के ऊपर नाम उल्टा इसने पेल दिया, बोले कि उन्होंने ऐसा काम नहीं किया इसलिए जातियां फैल गई यहाँ पे देश में। अरे यार तुम लोग को ना बहुत झेल लिए, तुम लोग थू है तुम्हारे हिंदू धर्म पे और तुम्हारे ऊपर कि तुम अपनी जाति नहीं बता पा रहे हो। किस तरह के लोग आ गए भाई, हाँ ये टुन्नी पगला आ गए साले ये। और दूसरी बात ये है कि भाई बाबा साहब सर्व जातीय सम्मेलन क्यों करेंगे जब ब्राह्मण उनको दलित बना दिए, उनको स्कूल में पानी तक सार्वजनिक जो सब पीते थे उस मटके से नहीं पीने दिए, भाई उनके साथ ब्राह्मण कैसे आ जाएंगे? आज नहीं आ रहा है, उस टाइम में कैसे आ जाते? ये सम्मेलन अगर करना था जाति खत्म करने वाला तो ये ब्राह्मणों को करना था, रुकने नहीं दिया था पारसी अपने गेस्ट हाउस में, रुकने नहीं दिया था कि मेरे दूसरे लोग को पता चल जाएगा, तो ना बाहर बैठ कर रोए हैं बाबा साहब। उस उनके बारे में बोल रहे हैं कि उनको ऐसा करना चाहिए था कि सर्व जाति सम्मेलन बुला लेते। कितने बेईमान यार ये टुन्नी लोग। और बाबा साहब इतने बाबा साहब इतना पढ़ लिख कर आए थे जब वहां ब्राह्मण वो काम कर रहे थे, नहीं उनको काम कर रहे थे ब्राह्मण तो छोड़ो, जो उनका जो पियोन था ना वो फाइल चपरासी उनको फेंक के देता था, हाथ में नहीं देता था। यार कहां से ये मतलब नहीं, कितनी गंदी और घृणित मानसिकता लेकर आते हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये जनजातियों में जाति ढूंढ रहे हैं और ये कबीला ही बनना चाहते हैं। अरे भाई कुछ कुछ तो सुधर जाओ, अगर आपकी बात भी मानने के वहां से ये चीजें आई हैं तो भाई आज आप कबीला ही बने रहना चाहते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो ब्राह्मण संस्कृति है ना ये अपने आप को बस कबीला ही बना के रखना चाहती है। ये अतीतवादी लोग ये बस जंगली और असभ्य तरीके से रहने में इनको बहुत अच्छा लगता है। छोड़ इनको जब कोई उसको पता नहीं था कि वो कहां से पैदा हुआ है, छोड़ दीजिए वो कंफ्यूज था, सच में वो बंदा कंफ्यूज था।
अपनी जाति बताने में इतना शर्मा गया, उसको उसको पता था कि अगर मैंने मुंह खोला तो बस मैं पूंछ पे पांव पड़ गई सबकी, पता चल जाएगा, यही होता है। तो डिफेंड करने आ जाते हैं और ब्लेम करते हैं किसी और पे, जिन